रिमूव हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस, वो स्टडी कर लिया है। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के दो तरीके थे, सिंपली पानी को बॉइल उबाल दें उससे दूर हो जाएगी, या फिर हम पानी को ट्रीट करते हैं किसके साथ, पानी को किससे ट्रीट करेंगे, लाइम के साथ या स्लेक्ड लाइम के साथ, लाइम स्लेक्ड लाइम से ट्रीट करते हैं तो दूर हो जाएगी। फिर था परमानेंट हार्डनेस को दूर करने का तरीका, परमानेंट हार्डनेस होती है क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम में प्रेजेंट होते के साथ प्रेजेंट होते हैं, उसको दूर करने के लिए पहला है, फर्स्ट मेथड कौन सा है इसमें, सोडियम कार्बोनेट मेथड, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा मेथड। सेकंड मेथड कौन सा था, कैलगन मेथड, कैल्शियम गॉन मेथड। थर्ड मेथड कौन सा था, आयन एक्सचेंज और परम्यूटेड मेथड और जियोलाइट मेथड। फिर फोर्थ मेथड कौन सा है, फोर्थ मेथड है सिंथेटिक रेजेंस मेथड, सिंथेटिक रेजेंस मेथड जिसके अंदर हम कटायन एक्सचेंजर्स होते हैं और एनायन एक्सचेंजर होते हैं। कटायन एक्सचेंजर कटायंस के साथ CH2+ को एक्सचेंज कर देंगे H+ से, और एनायन एक्सचेंजर Cl- और सल्फेट आयंस को एक्सचेंज कर देंगे OH- से, उससे H+ और OH आयंस मिलेंगे, H+ आयंस और OH आयंस मिलेंगे। अब इसमें कोई भी मिनरल नहीं होगा, इसको बोलेंगे डिस्टिल वाटर या डीमिनरलाइज्ड वाटर या डीआयनाइज्ड वाटर। ये सब हम कर चुके हैं, और दिस वाटर इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग purposes। हार्ड वाटर को हम फिर भी पी सकते हैं क्योंकि उसमें मिनरल्स ही तो प्रेजेंट है, लेकिन हम इसको नहीं यूज कर सकते, डिस्टिल वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो अब है हमारे पास नेक्स्ट, हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसके बाद ध्यान रखना मैं हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस वो डिटेल में लूंगा, एक टॉपिक कवर करूंगा डिटेल में दोबारा, तो वो एस ब्लॉक पी ब्लॉक 12th के क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब में कवर होगा, वो बड़ा टॉपिक है ध्यान से देखेंगे। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं लास्ट टॉपिक हमारा हाइड्रोजन चैप्टर का, दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, दोनों का काम करता है। क्यों करता है दोनों का काम, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, व्हाई इट इज एक्टिंग एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों होता है ये, बहुत बार डिस्कस किया है। नहीं पता इसमें ओ की स्टेट क्या है, देखो तुम अभी रेडॉक्स में पढ़ाया मैंने, ये ओ की स्टेट इसमें -1 है, विच कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज, ये बढ़ भी सकती है और भी कम भी हो सकती है। H2O2 से O2 बना तो बढ़ गई कि नहीं, -1 से 0, तो ये कौन सा एजेंट हो गया, अब रिड्यूसिंग एजेंट। और H सही ना, H2O2 से बन गया H2O, H2O बन गया, कौन से ये हो गया अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मीडियम भी कौन सा है, ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में है। और H2O2 से अगर बन जाता है OH आयंस तो कौन सा एजेंट है ये, अभी कौन सा एजेंट है ये, अरे कम हुई है ना स्टेट, -2 तो स्टेट हुई है इसकी, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन से मीडियम में, बेसिक मीडियम है, वो चॉइस है ना, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में। तो ये याद रख सकते हो, याद कर लेना, मैं आगे जाके बताऊंगा नहीं वाली चीज। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये हमेशा O2 में कन्वर्ट होगा, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये H2O में कन्वर्ट होगा, अगर मीडियम एसिडिक है, और अगर मीडियम बेसिक है तो ये वो चॉइस में कन्वर्ट होगा। वो चॉइस याद रख लो, ये तो बेसिक मीडियम वो चॉइस याद ही रहेगा, H2O याद रख लो, बस एक याद करना था। रिड्यूसिंग में तो हमेशा O2 में जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग अगर ये काम कर रहा है तो ये H2O में भी जा सकता है और चांस में भी जा सकता है। H2 में जाएगा तो एसिडिक मीडियम, वो चांस में जाएगा तो नाम से लग रहा है कि बेसिक मीडियम होगा, ये क्लियर हो जाना चाहिए वाली टर्म। और कभी भी इन बिटवीन स्टेट होती है, H2O2 में O की स्टेट क्या है, इन बिटवीन है कि नहीं, -1, हमेशा ये आगे भी बढ़ेगी और कम भी होगी, आगे भी बढ़ेगी और कम भी होगी, याद रहेगा कि नहीं। इन बिटवीन जो भी स्टेट्स होती हैं वो आगे भी बढ़ती है कम भी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मानो O2 है, O2 में O2 माइनस बढ़ा, कम हो गई स्टेट, ये स्टेट कम हो गई, O2 माइनस बना तो स्टेट कम, ये कैसे होगी, एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर इससे बना O2 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया इसने, फिर इससे बन गया सपोज 2O2 माइनस। इन सारे आयंस का नाम देखो किसको पता है, जिसने MOT पढ़ लिया है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिटेल में, उसको पता होगा इस O2 माइनस को क्या बोलते हैं, O2 माइनस ये तो पता है ना, ऑक्सीजन है, पहला वाला ऑक्सीजन है, ये O2 माइनस क्या होता है, नहीं पता किसी को, सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड एग्जाम्पल लिया था मैंने पेपर में भी, जो कि पैरामैग्नेटिक था, ये सुपर ऑक्साइड आयन है, दिस इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है, ये तो सबको पता है, ये कौन सा आयन है, ये सुपर ऑक्साइड आयन है, ये कौन सा आयन है दूसरा वाला, नहीं पता, परऑक्साइड आयन,
O2 टू माइनस, ये तो यहाँ पे भी दिख रहा है ना, O2 टू माइनस है ये रहा परोक्साइड आयन और ये ऑक्साइड आयन, समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? ये आयन्स के नाम बताए हैं सिर्फ मैंने, तो इसमें बीच वाली स्टेट कौन सी है? बीच वाली स्टेट ये है ना, एक ये और एक ये, नहीं समझ रही बात? सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो O2 है यहाँ पे, O2 से बना O2 माइनस, O2 था O2 माइनस बना, कैसे? इलेक्ट्रॉन गेन करके। कैसे बना? इलेक्ट्रॉन गेन करके। उसके बाद देखो O2 की स्टेट जो जीरो है ये तो हमेशा कम ही होगी ना, O2 की स्टेट क्या होती है? माइनस वन होती है, माइनस टू होती है, यही तो होती है, कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन किया O2 माइनस वन बन गया। O2 माइनस वन को क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड आयन। फिर इलेक्ट्रॉन इससे गेन किया बन गया O2 टू माइनस, दिस इज कॉल्ड एज परोक्साइड आयन। और उसके बाद क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन गेन करके 2O2 माइनस, तो ये क्या है? ऑक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है? ऑक्साइड आयन, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइड आयन। तो ये सारे आयन्स हैं। अब इसमें बीच वाली स्टेट कौन सी है? अगर इसको हटा दें, इसको हटा दो, बीच वाली स्टेट क्या? सुपर ऑक्साइड आयन बीच वाली स्टेट है, सुपर ऑक्साइड आयन जो है बीच वाली स्टेट है कि नहीं? तो बीच वाली स्टेट है ना, तो ये अगर ये ना अपने आप ही ये इसमें भी कन्वर्ट होगा और ये इसमें भी कन्वर्ट होगा, ये बीच वाली स्टेट में, ये कहने का मतलब था मेरा। जो बीच वाली स्टेट होती है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीडाइज, स्टेट बढ़ गई ना आगे, और यहाँ पे और कम हो गई नेगेटिव में, नेगेटिव में आ गई, तो ये रिड्यूस हो गया यहाँ पे। तो बीच वाला जो है हमेशा आयन, बीच वाली स्टेट वाला आयन हमेशा डिसप्रोपोर्शनेशन शो करता है, वो आगे भी बढ़ेगा और पीछे भी जाएगा, ये कहने का मतलब है। ये रिएक्शंस को सॉल्व करने का एक हिंट है कि अगर किसी एलिमेंट की स्टेट बीच में है तो 99.9% हीट करने पर वो आगे भी जाएगा स्टेट में, बढ़ेगी भी स्टेट उसकी और कम भी होगी, एंड इट विल शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ आ गया क्या बोला मैंने? Yes, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। Yes, बस इतना ध्यान रख लेना सर, ये बात को ध्यान रखना, ये मैं पता नहीं कितनी जगह यूज करूंगा रिएक्शंस के अंदर। बीच वाली स्टेट बढ़ेगी भी, आगे भी जाएगी और पीछे भी जाएगी। तो ये मैंने बता दिया यहाँ पे, इसका यहाँ पे कोई ज्यादा मतलब नहीं था। H2O2 मैंने यहाँ पे बताया, इट विल एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, रीजन बींग, बहुत सिंपल सा रीजन है। रीजन क्या है इसका? इसमें O की स्टेट जो है इन बिटवीन है, माइनस वन है, O की स्टेट माइनस टू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, इसलिए आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज है। इट कैन शो डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो जैसे ये शो कर रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन, H2O2 gives H2O plus half O2, it is showing disproportionation, आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है। यहाँ पे स्टेट क्या है? माइनस वन, यहाँ स्टेट क्या है? माइनस वन, यहाँ स्टेट क्या हो गई? माइनस टू, यहाँ स्टेट क्या हो गई? जीरो। तो ये आगे भी जा रहा है और ये पीछे भी जा रहा है, तो स्टेट बढ़ेगी भी और कम भी होगी, बात समझ गई नहीं है? तो ये चीज बतानी थी इसके अंदर, इसलिए बता दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा ये टू, ये वर्ड क्वेश्चन आया व्हाई H2O2 इज डिस्प्रोपोर्शनेटिंग, तो क्या आंसर बोलेंगे? ऑक्सीजन की मिडिल स्टेट है, ऑक्सीजन की मिडिल स्टेट है। दूसरा क्वेश्चन आया व्हाई H2 डिसोसिएट्स टू गिव H2O एंड O2, तब क्या बोलेंगे? दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान रखना, रिएक्शन यही रहेगी दोनों में। व्हाई H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। नहीं नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये टूट क्यों रहा है H2 और O2 में, व्हाई इट इज डिसोसिएटिंग, उसका आंसर आएगा क्योंकि इसमें HOO, ये स्ट्रक्चर होता है ना इसका, बुकला स्ट्रक्चर। अब इसमें O के पास लोन पेयर, इधर भी O के पास लोन पेयर, इनमें रिपल्शन होगी, दोनों लोन पेयर में रिपल्शन होगी तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, इसलिए टूटता है, इसलिए ये टूट जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेट कोई बोलेगा तो बोलना क्या बोलोगे कि H2O में O की स्टेट जो है इन बिटवीन है, और अगर कोई बोलता है कि डिसोसिएट क्यों कर रहा है, तो क्योंकि जैसे इसमें हल्की सी लाइट पड़ जाएगी ना H2O2 के ऊपर, हल्की सी लाइट पड़ गई या ग्लास के सरफेस पे, इमीडिएटली ये टूट जाएगा H2O plus half O2, ये इतना अनस्टेबल होता है, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए इसके अंदर ना कुछ ऐसे रेजन डाल रखते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, जैसे इसमें यूरिया डालते हैं ताकि ये डिसोसिएट ना करे, इसमें फॉस्फोरिक एसिड डालते हैं H3PO4 ताकि ये डिसोसिएट ना करें, ये नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी इस रिएक्शन को आगे नहीं जाने देंगे H2O2 वाली रिएक्शन को। यूरिया और फॉस्फोरिक एसिड, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूरिया हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, एसिटा एनिलाइड हो गया, ये इसके लिए क्या काम करते हैं? इस रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं, ये तो इसको टूटने नहीं देंगे H2O और हाफ O2, नहीं तो H2O2 अनस्टेबल है, इसके ऊपर थोड़ी सी भी लाइट पड़ गई ये टूट जाएगा, इसलिए इसको डार्क ब्राउन बॉटल्स में रखते हैं ताकि लाइट से थोड़ा सा बचा रहे, और ग्लास के बॉटल्स में रखते हैं तो उसमें वैक्स लगा के रखते हैं ताकि ये ग्लास के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए।
या फिर इसको प्लास्टिक की बॉटल्स में रखते हैं ताकि ये टूटे ना, H2+H2। समझ आ गया मैंने क्या बोला है? तो ये इसके अंदर ध्यान रखना बातें जो मैंने बताई हैं। H2O2 जो है ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको कहाँ रखते हैं हम, यूरिया इसके अंदर मिक्स करके रखते हैं। यूरिया इसको टूटने नहीं देता, ये कैटलिस्ट का काम करता है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है, इसको टूटने नहीं देगा। अच्छा, अब है क्या कहते हैं इसकी जो H2O2 की प्रिपरेशन, H2O2 की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इसकी क्या है, ध्यान देंगे। पहली प्रिपरेशन इसकी, फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम बेरियम परऑक्साइड, ध्यान देंगे BaO2। BaO2 ज्यादातर हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, प्लस डॉट एट एच टू। ये हाइड्रेटेड फॉर्म में डॉट एट एच टू, इसमें डालते हैं H2SO4, तो इससे मिल जाता है BaSO4 प्लस H2O2, जिसकी हमें प्रिपरेशन करनी थी, प्लस H2O2 और 8H2 प्लस 8H2 है ना। H2O2 मिल जाएगा एक्वस फॉर्म में, और H2O तो लिक्विड फॉर्म में ही, BaSO4 का प्रेसिपिट बनता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ये प्रेसिपिट फॉर्म में होता है। अब एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, H2, ये रिएक्शन हुई कैसे, समझ आ गया ना? ये कंपाउंड में आयंस कौन कौन से हैं, BaO2 में कौन कौन से आयंस हैं? BaO2+ और OH-, नहीं BaO2+ और O2-, ये होगा ना परोक्साइड वाला आयन, जब 2+ है तो 2 ही तो माइनस होगा, सही ना? इसीलिए क्या होगा, समझ आ गया कि नहीं है? BaO2, अगर मान लो मैं इसमें पानी डालता, मान लो इसके अंदर मैं पानी डालता तो क्या होता, पानी डालने से क्या होता, OH आयन इधर आते, H+ आयन इधर आते, तो क्या आ जाता, H2O2 और BaO2+। अभी मैंने क्या डाला, अभी इसके अंदर क्या डाला, H2SO4। H2SO4 क्या करेगा, H+ आयन इधर आएंगे, सल्फेट आयन इधर आएंगे, तो क्या बन जाएगा, BaSO4+H2O2। ये 2H+ हो जाएगा ना अपने आप ही, BaSO4+H2O2+8H2O। समझ आई प्रिपरेशन की नहीं है, प्रिपरेशन समझ आ गई कि नहीं? यस सर। जैसे बोलेगा, हाँ इसमें बोलेगा, इसमें से किससे, SRO2, ध्यान देंगे SRO2, PbO2, PbO2, Na2O2, DSNO2। बोलेगा इसमें से किससे H2O2 प्रिपेयर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया मैंने इसको रिलेट करा के, किससे H2O2 प्रिपेयर हो जाएगा, विच द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपेयर H, एक और ले लेते चलो, O2F2। इसमें से किससे प्रिपेयर हो जाएगा H2O2, इन पांचों में से? सर PbO2 से, PCB। PbO2 बोला आंसर, PbO2 से सर। प्रथम प्रथम सारे आंसर गलत दे रहा तू आज सर। AC और D से, AC और D से इनसे प्रिपेयर हो जाएगा, ये कैसे बोला आंसर? सम्यक सम्यक। चलो और बताओ, किसको देना आंसर तो सर? A और D से ये किसने बोला है? विधि 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 तुम्हारे नंबर बहुत कम थे टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट ट्राई करना, ये जो अब 8th को टेस्ट है, लास्ट टेस्ट है, ढंग से पढ़ना, बिल्कुल अपना टाइम टेबल कुछ शेड्यूल करो, उस टेस्ट को ढंग से देना। ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, और क्या पता मैं 4 या 5 तारीख से ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूं, हो सकता है ऐसा, तो तुम लोग उस 8th का टेस्ट ढंग से देना पहले। सर ACD, ACD से। चलो अब मैं आंसर दे रहा हूं, किसी और को नहीं बोलना, ध्यान देंगे आंसर है इसके अंदर A और C, ये दो आंसर है, ध्यान देंगे A और C आंसर है। रीजन देखो, Na2O2, Na2O2 तो सबने सुना हुआ ना, Na2O2 सोडियम परोक्साइड, 2Na+O2-, आ गया इस फॉर्म में। दूसरा PbO2 जो है, ये कौन से ग्रुप का है, कार्बन सिलिकन जर्मेनियम टिन लेड, स्टेट क्या होगी, प्लस फोर स्टेट आ जाएगी कि नहीं? हालांकि नीचे आने पर +2 भी होती है, लेकिन PbO2 में +4 स्टेबल होती है,
नीचे आने में प्लस टू भी स्टेबल होती है और प्लस फोर कम स्टेबल होती है, लेकिन इसकी प्लस फोर एग्जिस्ट तो करती है ना, तो ये पीबी प्लस फोर वाला है तो इसलिए नहीं होगा। और स्ट्रॉन्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। तो अब स्ट्रॉन्शियम कौन से ग्रुप का है? प्लस टू वाले का। ये भी प्लस टू, ये भी प्लस टू, ये भी प्लस टू, ये भी प्लस टू, ये भी प्लस टू। तो ये कैसे टूटेगा? जैसे BaO2 टूटा था, Sr2 प्लस O2 नेगेटिव। समझ आया कि नहीं? ये एक ये और एक ये, दो बता दिए। अब तीसरा SnO2 भी इसी ग्रुप का है, SnO2। ये भी किस स्टेट होगा? प्लस फोर स्टेट में होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। O2F2 ध्यान देंगे, O2F2 ऐसे है, ये ऐसे है। इस क्या अगला मेरा क्वेश्चन है, इसमें से किसके अंदर परोक्साइड लिंकेज नहीं है? इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, इसमें से किसके अंदर परोक्साइड लिंकेज नहीं है? बोला किसी को आंसर, किसके अंदर परोक्साइड लिंकेज नहीं है इसमें? PbO2। चलो ये आंसर है। PbO2 और SnO2। ये किसने बोला है? बिंदिया। चलो बिंदिया ने बहुत अच्छा ट्राई किया, लेकिन आंसर इसका ये है, PbO2 में लिए परोक्साइड लिंकेज, ध्यान देंगे। हाँ ABD नहीं, ए में तो परोक्साइड, अभी तो मैंने दिखाया है, ये लिखा हुआ तुम देख के भी नहीं बोल सकते, ये नहीं परोक्साइड लिंकेज। O2 2 नेगेटिव इनमें तो है ही। अगर मैं हाइड्रोजन परोक्साइड जिसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, जब मैंने पहले आंसर बोल दिया ए और सी, तो नेचुरल सी बात है अगला आंसर क्या होगा? BDE आंसर होंगे इसमें। कैसे? जिसमें परोक्साइड लिंकेज आ गई वो तो H2O2 को प्रिपेयर करेगा ना, जिसमें परोक्साइड लिंकेज आ गई वो तो H2O2 को प्रिपेयर हमेशा करेगा। नहीं समझाई बात? आ गई सर। नहीं समझाया? देखो जरा, अब PbO2 इसमें परोक्साइड लिंकेज नहीं है क्योंकि पीबी प्लस फोर और 2O2 नेगेटिव है। कैसे टूटेगा ये? पीबी प्लस फोर 2O2 नेगेटिव, ये इस तरह से टूटेगा। ऐसे ही SnO2 टूटेगा, Sn प्लस फोर 2O2 नेगेटिव। O2F2 परोक्साइड लिंकेज के लिए क्या होना चाहिए? O पे नेगेटिव चार्ज होता है ना H2O2 के अंदर, यहाँ पे तो O पे, F पे नेगेटिव होगा, F पे क्या होगा? नेगेटिव। F पे क्या होगा? नेगेटिव। और O पे क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ आया कि नहीं है? तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, इनमें तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, ये तो और ज्यादा अनस्टेबल है। नेगेटिव नेगेटिव होता है ना परोक्साइड लिंकेज में, चार्ज क्या होता है? O पे नेगेटिव नेगेटिव, इधर क्या आ रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। सो दिस इज नॉट ए परोक्साइड लिंकेज। तो आंसर हो जाएगा किसमें परोक्साइड लिंकेज नहीं है? आंसर आएगा BDE और E में परोक्साइड लिंकेज नहीं, इसलिए H2O2 को प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये H2O2 को प्रिपेयर नहीं कर सकते। समझ आ गया मैंने क्या बोला है सर? बोलो सर, अगर हाइड्रोजन प्लस टू स्टेट वाले तो? प्लस टू स्टेट वाले मतलब सर पीबी पे ही प्लस टू और एसएन पे भी प्लस टू स्टेट। हाँ, अगर वो होती तो इसमें आ जाता, लेकिन ऑक्सीजन जो है पीबी की प्लस फोर स्टेट लेके आता है, ऐसे ही इधर भी ऑक्सीजन हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, इसलिए एसएन की प्लस फोर स्टेट लेके आता है। अच्छा, अब ध्यान देंगे अगला ध्यान देंगे इसमें, मैंने ये बता दिया इसके अंदर। नेक्स्ट जो है इसके अंदर, नेक्स्ट यहाँ पे हमने H2O2 प्रिपेयर कर लिया, लेकिन यहाँ जो H2O2 बनता है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, हालांकि ये प्रेसिपिटेटी है, लेकिन फिर भी ना पानी में थोड़ा बहुत टूटता है, थोड़ा बहुत टूटेगा तो इसके लिए क्या इम्प्योरिटी का काम कर जाएगा और ये टूट जाएगा H2O+H2O में, ये टूट जाएगा H2O+H2O में, इसलिए इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रिपरेशन है जिसमें ये अभी BSO4 तो क्या प्रेसिपिटेट तो है, व्हाइट कलर का, ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है ये, लेकिन ये थोड़ा सा पानी में सॉल्युबल है जिसकी वजह से आयंस बनेंगे, आयंस बनते ही वो इस H2O2 को तोड़ देंगे H2O+H2O में, इसीलिए हम एक ऑल्टरनेटिव प्रिपरेशन यूज करते हैं जिसमें हम डालेंगे H3PO4। तो वो NCERT में नहीं है, याद करना है तो याद कर लेंगे, BaO2.8H2O+H3PO4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? H3PO4। और ये बना देता है BA3PO4 होल ट्वाइस, और ये पूरा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है,
और ये बिल्कुल नहीं टूटता। और साथ में मिलता है, साथ में मिलता है H2O2, अब ये स्टेबल है, अब ये क्या है, स्टेबल प्लस 8H2। एनसीईआरटी में नहीं है तो जरूरी नहीं है करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है एंट्रेंस में कि H2SO4 से बेटर चॉइस क्या है, H3PO4, H3PO4 इज ए बेटर चॉइस, तो ये प्रेस्पेक्ट ज्यादा अच्छा होगा, तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया H2O2 की प्रिपरेशन, पहला मेथड हमने कर लिया है H2O2 की प्रिपरेशन, क्वेश्चन जो डिस्कस किया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय इलेक्ट्रोलिसिस से ना इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे सेकंड मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस किसका, H2SO4 का, और वो भी किसका, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। इसके इलेक्ट्रोलिसिस से, क्लियर, इसके इलेक्ट्रोलिसिस से, तो इसका इलेक्ट्रोलिसिस का H2SO4 है, ये टूटेगा कैसे, पानी तो होगा नहीं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, ये टूटेगा H+ प्लस HSO4 नेगेटिव में, ये टूट जाएगा H+ प्लस HSO4 नेगेटिव में, ऐसे टूट जाएगा ये, सही ना। तो अगर ये ऐसे टूट जाएगा, अब कैथोड पे क्या होगा सर, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और किससे गेन करेगा, पहले मेरे को एनोड की रिएक्शन लिखनी थी, चलो कुछ नहीं तुम बाद में लिख लेना, तो इससे हाफ H2 गैस मिल जाएगी, ये कैथोड पे होगा, एनोड पे क्या होगा, HSO4 नेगेटिव आयंस है, HSO4 नेगेटिव आयंस है, ये क्या दे देंगे, H2S2O8, इसका डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही बनता है जब कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि ओ चांस नहीं है अब इसमें, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड H2O4 है, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये आ गया H2S2O8, क्लियर, दिस इज H2S2O8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन इसने H+ ने गेन किए यहां पे, तो बना H2 गैस, इसलिए पहले एनोड का लिखना होता है आंसर, पहले हमेशा एनोड का आंसर लिखते हैं। अब ध्यान देंगे, अब ये H2S2O8 है, क्या इसके अंदर परोक्साइड लिंकेज है कि नहीं, अब इसके अंदर परोक्साइड लिंकेज आ गई, कभी भी O8 आ जाए ना, H4P2O8, उसमें भी परोक्साइड लिंकेज होगी, तो इसमें परोक्साइड लिंकेज है, इसलिए वाटर डालने पर क्या दे देगा, H2O2, H2S2O8 है, मार्शल्स एसिड कहते हैं इसको, या परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, मार्शल्स एसिड, और इसको परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें अगर मैं पानी डालूंगा, 2 मोल वाटर डाल दिया अगर मैंने इसके अंदर, तो ये सीधा दे देगा H2O2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, ये प्रिपरेशन है। नेक्स्ट डिटेल में बता देता हूं मैं ये कैसे बना H2S2O8, सही ना, H2S2O8 इससे H2O2 कैसे बना है, अगर मेरी एक लाइन याद रखते हो तो याद कर लेना, बहुत जगह यूज होगी वो लाइन भी, अगर ना सल्फर की स्टेट, थियोरिटिकल स्टेट जो है, सल्फर की थियोरिटिकल स्टेट अगर इसकी मैक्सिमम स्टेट से ज्यादा आ रही है, हमेशा H2O2 मिलेगा पानी डालने पर। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके ऑक्सो एसिड के अंदर, जिसमें ऑक्सीजन हो और HBO, उसकी मैक्सिमम स्टेट से ज्यादा स्टेट आती है उसकी, तो हमेशा H2O2 मिलेगा। इसमें सल्फर की स्टेट निकालो जरा, क्या आएगी स्टेट, 2, एक मिनट, क्या आएगा, 2 प्लस 7 आ रही है, प्लस 7 आ रही है कि नहीं, और सल्फर की मैक्सिमम स्टेट क्या होती है, प्लस 6, ज्यादा आई कि नहीं, हेयर थियोरिटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, थियोरिटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा परोक्साइड मिलेगा, हमेशा ये जरूर मिलेगा, और साथ में इसमें मिल गया 2H2SO4, क्यों मिलता है मैं बता दूंगा, लेकिन अगर ये लाइन याद कर लोगे तो आगे आंसर निकालना इजी हो जाएगा, आगे आंसर निकालना इजी हो जाएगा, इसलिए बताया मैंने। H2O2 की दूसरी प्रिपरेशन समझ आ गई है कि नहीं, इसका मैं तरीका बताता हूँ, दोबारा देख लेंगे तरीका, इसका तरीका इसका ये है, ये H2S2O8 का स्ट्रक्चर है, लिंकेज आ गई ना इसके अंदर, H2S2O8, H2 है तो कितने OH आएंगे, H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाना होता है, अगर मैंने बहुत बार बताया मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, H3PO4 में कितने H हैं, P सेंट्रल एटम, कितने H है इसमें, अरे H3PO4 में कितने H हैं, 3 H, मतलब 3 OH आ जाएंगे, बताया ना ये मोल कॉन्सेप्ट में, 3 H का मतलब 3 OH आ जाएंगे, कितने O, अब कितने O बच गए, एक O बच गया इसका, डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर बन गया फॉस्फोरिक एसिड का, स्ट्रक्चर किसका बन गया, ये फॉस्फोरिक एसिड का,
स्ट्रक्चर किसका बन गया ये फॉस्फोरिक एसिड ऐसे अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है हाँ एक एसिड जब भी पी की स्टेट मैक्सिमम होगी तो हमेशा एक एसिड आएगा सल्फर की स्टेट मैक्सिमम होगी तो एक एसिड आएगा H2SO4 में कितने अच्छे हैं फास्ट H2SO4 में कितने अच्छे हैं दो 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 कितने कितने ओ चाहेंगे कितने ओ बच गए समझ आया ये स्ट्रक्चर आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर किसका आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का समझ आ रहा है कि नहीं है नेक्स्ट देखेंगे सल्फरस एसिड से H2SO3 इसमें कितने एच हैं सल्फरस एसिड है ये सल्फरस एसिड कितने एच हैं दो एच हाँ तो कितने ओ चाहेंगे OH कितने ओ बच गए एक सर वन डबल बॉन्ड हुआ और एक हाँ एक लोन फिर बच गया इसका खत्म सल्फरस एसिड बन गया क्या बन गया सल्फरस एसिड सपोज ये बोला मैंने HClO3 लोन पेयर पता ना कैसे बचा सल्फर के पास छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छह में से चार शेयर हुआ एक पेयर बच गया HClO3 में कितने एच आएंगे सर एक वन एक हाँ तो कितने OH कितने आएंगे एक OH है ना और कितने ओ बच गए दो दो तीन अच्छा सॉरी दो दो बच गए तो डबल बॉन्ड हो और एक लोन पेयर क्योंकि सात इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में इसके एक यहाँ शेयर हुआ सात इलेक्ट्रॉन होते हैं एक यहाँ शेयर हुआ एक यहाँ शेयर हुआ एक यहाँ हुआ एक यहाँ हुआ एक यहाँ पांच शेयर हुआ तो दो बज गए लोन पेयर यह है क्लोरिक एसिड कौन सा एसिड है क्लोरिक एसिड समझ आया कि नहीं है इस तरीके से करना है स्ट्रक्चर ये सिंपल वाले बताए मैंने एक्सेप्शन है तीन इसके अंदर H3PO2 H3PO3 और H3PO2 H3PO3 और H3BO3 इनके थोड़े डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि H3PO2 में तीन एच है तीन एच तो तीन ओएच तो आ ही नहीं सकते इसके अंदर ये बहुत सिंपल सा तरीका बता दिया मैंने इसके अंदर अब H2SO8 का स्ट्रक्चर देखेंगे H2SO8 कितने एच है इसके अंदर दो एच है तो दो ओएच एक ओएच इधर आएगा एक ओएच इसके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितने ओ बच गए सिक्स के दो तो परऑक्साइड लिंकेज में आ गए ना क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज होती है समझ आया स्ट्रक्चर की नहीं है समझ आया एक बार और बता देता हूँ देखो देखो कभी भी ना दो सेंट्रल एटम आ जाएं जैसे अगर मैं बात करूं H2S2O6 H2S2O7 H2S2O8 ये भी मैं बहुत सिंपल सा रूल बता रहा हूँ ये बहुत डिटेल में ऑक्सो एसिड्स की दो से ढाई घंटे की क्लास लगती है पूरी दो ऑक्सो एसिड्स की ये भी बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं ये H4P2O6 H4P2O7 H4P2O8 ध्यान देंगे H2S2O6 है अगर H2S2O6 है तो इसके अंदर दो सल्फर है कि नहीं कितने सल्फर है दो सल्फर है और ये जो है ऑक्सीजन ये ऑड में इवन में इवन 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 है ना इवन देखते ही SS बॉन्ड बना देना बस एट ना हो कभी भी एट होगा तो परऑक्साइड लिंकेज आएगी SS बना दिया अब कितने H है इसके पास दो तो कितने OH दो एच आ गए अब कितने O बच गए सर फोर डबल बॉन्ड ओ ये डाइथायोनिक एसिड है कौन सा है डाइथायोनिक एसिड समझ आया कि नहीं है समझ आ गया स्ट्रक्चर कि नहीं है अब अगला H4P2O6 देखेंगे ओ ऑड है कि इवन है इवन ऑड ओ ऑड है ये ओ ऑड है इवन है इवन 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 है तो पीपी बॉन्ड लगा देंगे समझ आया कि नहीं है अब एच कितने हैं चार तो कितने ओ जाएंगे दो इसके पास आ रहा समझ के नहीं कितने ओ बच गए सर टू तो एक डबल बॉन्ड हो इधर एक डबल बॉन्ड हो इधर आंसर चेक करने के लिए देख लेना कि पी पांच बॉन्ड बनाता है पांच बने कि नहीं पांच बनेंगे या तीन बनेंगे एक दो तीन चार पांच बने इसके बॉन्ड ये ना एक दो तीन चार पांच दोनों पी के पांच बॉन्ड है समझ आया स्ट्रक्चर की नहीं yes, अगला स्ट्रक्चर देखेंगे हाँ अगला देखेंगे H2S2O7
H2S2O7. अब इसमें O odd में है, even में है? Odd. Odd है तो element oxygen element bond. Element oxygen element. Nitrogen होता है तो element nitrogen element. आगे समझ के नहीं है? Yes sir. नहीं सब. अब कितने H हैं? दो. कितने H हैं? दो. कितने O H? दो. हाँ अब कितने O बच गए? Four. चार. तो एक डबल बॉन्ड हो यहाँ, एक यहाँ पे. समझ आ गया स्ट्रक्चर की नहीं? ये ओलियम का स्ट्रक्चर है, पता ना ओलियम H2SO4 plus SO3. अब H4P2O7. O odd है, even है? सर odd. ये आ गया O odd है तो ये आ जाएगा. अब इसके बाद अब कितने OH हैं? कितने OH हैं? सर four. तो दो OH और दो O बच गए, डबल बॉन्ड. समझ आ गया स्ट्रक्चर की नहीं? ये पाइरोफॉस्फोरिक एसिड है. समझ आ गया स्ट्रक्चर की नहीं? ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने हैं. अब H4P2O8, इसमें O कितने हैं? आठ. आठ है तो क्या होगा? परोक्साइड लिंकेज. परोक्साइड लिंकेज. ये आ गया. अब कितने H हैं? कितने H हैं? सर four. OH, 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 OH. कितने O बच गए? सर two. Two बच गए. तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो. समझ आ गया स्ट्रक्चर की नहीं? नहीं समझ आया स्ट्रक्चर अभी? ये अभी सिंपल बताया. इसमें हाँ, इसमें एक्सेप्शन बहुत सारी है, सिंपल तरीके से बताया अभी ये. लेकिन ऐसे भी कर लोगे ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा और तुम्हें भी बाद में थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं आएगी इसमें. अब देखेंगे. अब अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं, ध्यान देना इधर, अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं तो क्या होगा? इसमें वाटर डाल दिया मैंने. वाटर डालते ही ध्यान देना, वाटर का H प्लस और O चायंस होता है. वाटर क्या होता है? H चायंस और O चायंस. किसी एक जगह से बॉन्ड तोड़ देना क्योंकि ये बॉन्ड सबसे वीक है. H गया इधर, OH गया इधर. तो आंसर आ गया. आंसर क्या आ गया? मैं इसी में रब कर रहा हूं, ध्यान देना. ये समझ आ गई बात कि नहीं? पहले आ गई सर. ये आ गई. आ गया, आ गया ना. बस मैं यही जोड़ रहा हूं. मैं बनानी, चलो बनाई देता हूं. देखो ध्यान देंगे. P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH. फॉस्फोरिक एसिड आ गया. दूसरा P डबल बॉन्ड O, 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 H. ये आ गया परोक्सो फॉस्फोरिक एसिड. OH, OH. स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं? ये स्ट्रक्चर समझ आ गया कि नहीं? यस सर आ गया. आ गया ना. अब इसमें क्या है? इस बॉन्ड को भी तोड़ सकते हैं हम. अब इसमें ये आ गया परोक्साइड लिंकेज. आ गई इसके अंदर परोक्साइड लिंकेज. आ गई ना इसके अंदर? यस सर. इस बॉन्ड को तोड़ देंगे. हाँ तो इसमें किसी भी बॉन्ड को तोड़ दो. पीओ बॉन्ड को तोड़ दिया सपोज मैंने, तो यहाँ क्या जाएगा? दोबारा पानी डालने पर एच यहाँ आएगा, ओएच यहाँ आएगा. तो आंसर क्या आ जाएगा इससे? ये H3PO4 बन गया, ये भी H3PO4 बन गया दूसरा मॉलिक्यूल, ये भी H3PO4 बन गया और एक आ गया H2PO2. दो H3PO4, एक H2O2. समझ आ गया स्ट्रक्चर कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? यस सर. इसमें बताओ क्या बनेगा, जल्दी फास्ट. इसमें डालेंगे H2O2 तो क्या बनेगा? H2O डाला इसके अंदर, यहां से क्लीवेज, कोई भी एक क्लीवेज कर दो, कोई भी एक जगह से बॉन्ड तोड़ दो. H यहाँ पे, OH यहाँ पे. नहीं समझ आया? H3PO4. यही आंसर आएगा सीधा, सिर्फ ये. इसमें डालेंगे वाटर तो, इसमें वाटर डालेंगे तो H2SO4. दो ठीक है सर. ठीक है सर, समझ आ गया. पानी का यूज इस तरह से करना है. अब हमें क्या मिला था अभी? H2S2O8 मिला था. क्या मिला था? H2S2O8. इसमें वाटर डालेंगे तो पहले क्या बनेगा? एक वाटर डाला, अगर मैंने प्रिपरेशन बता दी है पीछे, एक वाटर डाला तो क्या मिलेगा? H2SO4. खुद ट्राई करना. H2SO4 प्लस H2SO5 मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कैरोज एसिड होता है या परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. इसमें दोबारा H2O डाल देंगे दूसरा मॉलिक्यूल, तो मिल जाएगा H2O2 प्लस H2SO4.
जेई एडवांस में दो बार पूछा हुआ क्वेश्चन ही वाला, इसमें पानी डालेंगे तो क्या मिलता है, एक अगर एक मोल डाला तो ये मिलेगा, ज्यादातर दो मोल से आंसर देते हैं, दो मोल डाल दिया अगर डायरेक्ट टू एच टू ओ तो आंसर आ गया टू एच टू एस ओ फोर प्लस एच टू ओ टू, ये आंसर आ गया। तो ये कर लेना, मैंने समझा दिया तुम्हें पीछे, ये है मार्शल्स एसिड, ये क्या है मार्शल्स एसिड। ऐसे ही अगर के टू एच टू ओ एट है, ध्यान देंगे के टू एच टू ओ एट, इसमें डाल दिया अगर मैंने डी टू ओ तो क्या मिल जाएगा टू डी टू ओ, तो क्या मिल जाएगा इसमें, कर लोगे कि नहीं, यहाँ पे बस एच सी का क्या आ गया, आ गया के आ गया, तो आंसर आ जाएगा इसका डी टू ओ टू, ड्यूटेरियम का परोक्साइड, डी टू ओ टू इसकी प्रिपरेशन है, ड्यूटेरियम का परोक्साइड प्लस के डी एस ओ फोर, जैसे टू एच टू ओ फोर था इसमें टू के डी एस ओ फोर हो जाएगा, ये खुद ट्राई करोगे हो जाएगा, डी टू ओ टू की प्रिपरेशन है। नेक्स्ट प्रिपरेशन नोट करेंगे, फ्रॉम टू इथाइल एंथ्राक्विनोल, फ्रॉम टू इथाइल एंथ्राक्विनोल, फास्ट नोट करना, दो तीन मिनट में खत्म करना है इसको, ये जेई एडवांस ने 2011 में पूछा हुआ है, टू इथाइल एंथ्राक्विनोल, ये एंथ्रासीन होता है, ये क्या है एंथ्रासीन, दिस इज कॉल्ड एज एंथ्रासीन, क्विनोल मतलब दो ओ एच लगे हो, ये क्विनोल की फॉर्म होती है क्यू यू आई एन ओ एल, और टू पे इथाइल है, वन पोजिशन पहले ये होती है, टू ये होती है, तो इसलिए यहाँ पे इथाइल आ जाएगा, ईटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ईटी। तो ये स्ट्रक्चर है टू इथाइल एंथ्राक्विनोल का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टू इथाइल एंथ्राक्विनोल, एंथ्रा क्यू यू आई एन ओ एल, टू इथाइल एंथ्राक्विनोल, ये स्ट्रक्चर है इसका। इसमें करते हैं हम एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन, किसके थ्रू, एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर एरियल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं इसको, ओ टू फ्रॉम एयर, एयर के थ्रू ऑक्सीजन आई तो इसके ये वाले एच और ये वाला एच उड़ जाएगा और आ जाएगा टू इथाइल एंथ्राक्विनोन, वाटर के साथ चला जाएगा वो, सॉरी ओ टू के साथ, ओ टू के साथ चला जाएगा और आंसर आ जाएगा, इसको ऐसे दिखाना है, ये इस तरीके से बैलेंसी पूरी होती है हर एक की, ये आ गया टू इथाइल एंथ्राक्विनोन और ये ईटी ग्रुप, ईटी यानी इथाइल, ईटी यानी इथाइल सी टू फाइव, यही चीज है सेम इथाइल, और प्लस इधर से क्या हटा एच हटा, इधर से क्या हटा एच हटा, दो ओ ये रहे, दो ये रहे तो मिल गया एच टू ओ टू, ये एच टू ओ टू की प्रिपरेशन है। जो जेई ने क्वेश्चन पूछा था उसने बोला था ये मॉलिक्यूल जो मिला है, जो इसमें मॉलिक्यूल मिलेगा वो डायमैग्नेटिक होगा पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या है डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायमैग्नेटिक, ओ टू टू नेगेटिव है ना, चेक करना एमओटी के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, इट इज पैरामैग्नेटिक, और इसमें अगर मैं दोबारा एच टू पी डी डाल दूं, इसी मॉलिक्यूल में एच टू पी डी डाल दूं, रिएक्शन रिवर्स कर जाती है, इसका रिडक्शन कर दें एच टू पी डी के साथ तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी, तो रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे मिल गया ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट एच टू ओ टू, ये एच टू ओ टू मिल गया, प्रिपरेशन है इसकी। एक लाइन सुनेंगे ध्यान से, जो अब एच टू ओ टू मिला है, जो एच टू ओ टू मिलता है ना, इट इज ओनली 1% बाय वेट, ये 1% बाय वेट होता है, बहुत कम अमाउंट है, ये बहुत कम अमाउंट है, इसलिए इसको मैं वाटर को वेपराइज करके तो बना नहीं सकता, इसको वाटर को, इसको मैं वेपराइज करके नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि मैं हीट करूंगा तो उसका बॉन्ड टूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसलिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं ताकि इसकी परसेंटेज बढ़ सके, इसलिए हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं ताकि इसकी क्या हो परसेंटेज बढ़ जाए, और इसको हम 99% तक भी ले जाते हैं बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इससे क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, तो अब ये टूटेगा नहीं,